नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोह के एक्सलेंस स्कूल के बाहर एक्सपायरी डेट की दवा मिलने से हड़कंप है। बताया जाता है यहां दवाइयों का जखीरा था। एक दो नहीं बल्कि तीन स्थानों पर बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की दवा पड़ी हुई थी। इस घटना के पीछे मेडिकल संचालक का हाथ हो सकता है। बताया जाता है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहां पर दवा देखी गई। जेनरिक दवाइयाँ हैं, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर दवाइयाँ पड़ी थी। अलग अलग किस्म की यह दवाइयाँ थीं। इस मामले की जानकारी जब हमें लगी तो हम मौके पर पहुंचे और हमने देखा कि यहाँ पर दवाइयाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में पड़ी हुई हैं। इस बात की जानकारी हमारी समाचार सेवा के द्वारा दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल को दी गई, जिनके द्वारा तुरंत कार्रवाई कराई गई। दमोह के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी को उनके द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुँचे और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुँचे, जिनके द्वारा इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई है। बताया जाता है कि ड्रग इंस्पेक्टर महिमा जैन जब मौके पर पहुंची तो यहां पड़ी दवाई में किसी के द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसके बाद उनके द्वारा जली हुई दवाइयों को जब्त कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है। मेडिकल संचालक के द्वारा इन दवाइयों को फेंका गया। एक वीडियो भी हमें प्राप्त हुआ जिसमें लोग दवा फेंकते हुए भाग रहे हैं, लेकिन काफ़ी दूर से वीडियो होने के चलते पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन हम इस पहचान को जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। दवा संचालक के द्वारा इस दवाई को फेंका गया है। ऐसे में किसी के द्वारा इस अगर दवाई का सेवन कर लिया जाता तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा नुकसान उसका हो सकता था। काफ़ी कीमती दवाइयां यहां पर डाली गई थी। इस मामले को लेकर हमने ड्रग इंस्पेक्टर महिमा जैन से चर्चा की। जैसे ही सीएमएचओ दवों द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिली इसके बारे में, मैं खुद वहाँ पे स्पॉट पे जाके देखी हूँ, तो वहाँ कुछ मेडिसिन में तो आग लगा दी गई थी, ये देख सकते हैं आप। बट इसमें कुछ बैच नंबर अपने को दिख रहा है, तो इसकी मदद से अपन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे ये किसके पास से आया है। और जैसे ही पता चलता है तो उसके खिलाफ अपन जो भी कानूनी कार्रवाई अपने एक्ट में है उसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। नियम क्या है एक्सपायरी डेट के क्या उनको डिस्पोज करने का एक रहता है प्रोटोकॉल, वो फॉलो करना चाहिए उनको प्रॉपर, लेकिन इस तरह से ये जो उन्होंने किया है ये गलत है। जिसने भी किया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि आगे से इस तरह का कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये अपन रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं पहले कि कहाँ किस होलसेलर के पास ये कंपनी है और इसने किस किस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो कोशिश करेंगे कि मतलब ट्रेस करने की, क्योंकि ये भी हो जाता है ना कि एक ही बैच नंबर की मेडिसिन एक से चार दुकानों पे भी गई हो, तो उनमें से किसने ये किया है तो थोड़ा सा मुश्किल है ना, उसको टाइम लगेगा थोड़ा चेक करने में, लेकिन करेंगे अपन। मेडिकल स्टोर संचालकों को लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जब भी कोई दवा एक्सपायर हो जाती है तो उसका विनष्टीकरण किस तरह से करना है। इस मामले को लेकर प्रशासन के द्वारा कदम उठाए गए हैं। ऐसे में देखने लायक होगा दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि एक्सपायरी डेट दवा यहाँ पर डाली गई थी। कोई भी व्यक्ति अगर सेवन कर लेता नुकसान हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता। देखने लायक होगा जिला प्रशासन कब तक इस मामले की जांच करा पाता है, कब तक दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।